आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोषण में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है नहमिया की पुस्तक 5वां अध्याय। तब लोग और उनकी स्त्रियों की ओर से उनके भाई यहूदियों के विरुद्ध बड़ी चिल्लाहट मची। कुछ तो कहते थे, हम अपने बेटे बेटियों समेत बहुत प्राणी हैं, इसलिए हमें अन्न मिलना चाहिए कि उसे खाकर जीवित रहें। कुछ कहते थे, हम अपने अपने खेतों, दाख की बारियों और घरों को महंगी के कारण बंधक रखते हैं कि हमें अन्न मिले। फिर कुछ यह कहते थे, हमने राजा के कर के लिए अपने अपने खेतों और दाख की बारियों पर रुपया उधार लिया, परंतु हमारा और हमारे भाइयों का शरीर और हमारे और उनके बच्चे एक ही समान हैं, तो भी हम अपने बेटे बेटियों को दास बनाते हैं। वरन हमारी कोई कोई बेटी दासी भी हो चुकी है और हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और दाख की बारियां दूसरों के हाथ पड़ी हैं। यह चिल्लाहट और ये बातें सुनकर मैं बहुत क्रोधित हुआ। तब अपने मन में सोच विचार करके मैंने रईसों और हाकिमों को घुड़क कर कहा, तुम अपने अपने भाई से ब्याज लेते हो। तब मैंने उनके विरुद्ध एक बड़ी सभा की और मैंने उनसे कहा, हम लोगों ने तो अपनी शक्ति भर अपने यहूदी भाइयों को, जो अन्य जातियों के हाथ बिक गए थे, दाम देकर छुड़ाया है। फिर क्या तुम अपने भाइयों को बेचोगे? क्या वे हमारे हाथ बिकेंगे? तब वे चुप रहे और कुछ न कह सके। फिर मैं कहता गया, जो काम तुम करते हो वह अच्छा नहीं है। क्या तुमको इस कारण हमारे परमेश्वर का भय मानकर चलना न चाहिए कि हमारे शत्रु जो अन्य जाति हैं वे हमारी नामधराई ना करें? मैं भी और मेरे भाई और सेवक उनको रुपया और अनाज उधार देते हैं, परंतु हम इसका ब्याज छोड़ दें। आज ही उनको उनके खेत और दाख और जैतून की बारियां और घर फेर दो, और जो रुपया अन्न, नया दाखमतु और टटका तेल तुम उनसे ले लेते हो, उसका 1/10 भाग फेर दो। उन्होंने कहा, हम उन्हें फेर देंगे और उनसे कुछ न लेंगे। जैसा तू कहता है वैसा ही हम करेंगे। तब मैंने याजकों को बुलाकर उन लोगों को यह शपथ खिलाए कि वे इसी वचन के अनुसार करेंगे। फिर मैंने अपने कपड़े की छोर झाड़ कर कहा, इस रीति से जो कोई इस वचन को पूरा न करे उसको परमेश्वर झाड़ कर उसका घर और कमाई उससे छुड़ाए, और इसी रीति से वह झाड़ा जाए और छूछा हो जाए। तब सारी सभा ने कहा, आमीन, और यहोवा की स्तुति की। तब लोगों ने इस वचन के अनुसार काम किया। फिर जब से मैं यहूदा के देश में उनका अधिपति ठहराया गया, अर्थात राजा अर्तक्षत्र के 20वें वर्ष से ले उसके 32वें वर्ष तक 12 वर्ष मैं और मेरे भाइयों ने अधिपति के हक का भोजन नहीं खाया। परंतु पिछले अधिपति जो मुझसे पहले थे, वे प्रजा पर भार डालते थे और उनसे रोटी और दाख मधु और इसके साथ 40 शेकेल चांदी लेते थे। वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे, परंतु मैं ऐसा नहीं करता था, क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। फिर मैं शहरपनाह के काम में लिपटा रहा और हम लोगों ने कुछ भूमि मोल न ली, और मेरे सब सेवक काम करने के लिए वहाँ इकट्ठे रहते थे। फिर मेरी मेज पर खाने वाले 150 यहूदी और हाकिम, और वे भी थे जो चारों ओर के अन्य जातियों में से हमारे पास आए थे। जो प्रतिदिन के लिए तैयार किया जाता था वह 1 बैल, 6 अच्छी-अच्छी भेड़ें या बकरियां थी, और मेरे लिए चिड़ियें भी तैयार की जाती थी। 10-10 दिन के बाद भांति-भांति का बहुत दाखमधु भी तैयार किया जाता था, तो भी मैंने अधिपति के हक का भोजन नहीं लिया, क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी था। हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख।